हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रीत और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक क्वेरी मुझे काफी डीएम्स आ रहे थे। मैक्सिमम कमेंट तो उसी के आ रहे थे, भाई बुक कौन सी फॉलो करनी है। ठीक है, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, एयरफोर्स का XY हो, या आपका आर्मी का, जीडी का हो, क्लर्क का हो, ठीक है, नेवी का, SSR, डबल अप्रेंटिस, कोई भी एग्जाम हो, FCAT हो, CDS हो, कौन सी बुक फॉलो करनी है, SSB हो, कौन सी बुक फॉलो करनी है। भाई मैं चीज़ बता क्लियर कर देता हूँ कि भाई बुक कोई भी लेना, एरिहंट की ले लेना, ठीक है। कंटेंट सब में सेम रहता है पर एरिहंट का बेस्ट रहता है, यानी आज तक तो जितनी बुक पढ़ी है सब एरिहंट की पढ़ी है, बेस्ट कंटेंट रहता है। ठीक है, स्मॉल जीके से लेकर MCQ जीके तक, जीके बढ़िया रहती है उनकी, 2500 या 3000 की जीके आती है, ईयरली वाइज आती है उनका, स्टैटिक जीके तो रहता ही रहता है, करंट भी रहता ही है। तो एरिहंट की बुक आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, SSB की हो, कुछ हो। अगर आपने SSB का थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है कि SSB होती क्या है, एक गेम ऑफ OLQ करके बुक होती है, एक टाइप की नॉवल टाइप है, वो पढ़ेंगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, अगर वैसे अगर आप जानना चाहते हो एरिहंट की ले लीजिए, आइडिया मिल जाएगा, और किसी बुक पर जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट एंड बेस्ट जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि एरिहंट की बुक फॉलो कीजिए, FCAT के लिए, CDS के लिए, NDA के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, XY के लिए, एक्स के लिए तो खासकर परफॉर्म कीजिए, वो फॉलो करेंगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। उनकी एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज कैसे करनी है, एक पहले उनका कंटेंट रहता है उसको पढ़िए, डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज रहती है, उनको MCQ टाइप रहती है, पीछे आंसर भी दिए होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, तो टिक करके आप आइडिया लगा सकते हैं। वहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ACC इंडियन आर्मी, उसकी जो बुक रहती है एरियन की, फॉलो कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो ये जो डाउट था भी कहाँ से आते हैं, कौन सा क्या क्वेश्चन है। रही बात, लोग मुझे पूछते हैं कि सोल्जर GD और क्लर्क में क्या चीज़ प्रेफर करनी चाहिए। भाई सोल्जर GD है वो 10th लेवल का है, और जो क्लर्क है वो 12th लेवल का है, दोनों में अपना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, सैलरी वाइज लगा लो, काम वाइज लगा लो। ठीक है, अगर आपको GD मिल रही है 10th लेवल पे तो गो फॉर इट, अगर 12th लेवल क्लर्क के लिए जा रहे हो तो गो फॉर इट। ठीक है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 12th के बाद ही सोल्जर क्लर्क के लिए जाए, वो बेस्ट रहेगा, टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए जाए तो वो बेस्ट रहेगा। रही बात एक्स ग्रुप में, जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप, उसमें कंफ्यूजन के लिए लोग पूछते हैं कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए। भाई एग्जाम दोनों दो, ठीक है, एक्स में हो गया बहुत अच्छी बात है, वाई में हो गया तो तब भी अच्छी बात है। ठीक है, एक्स और वाई इसमें डिफरेंस क्या है, वो टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है। ठीक है, सेम नेवी का ही है कि लोग पूछते हैं कि मैं SSR दूँ कि डबल अप्रेंटिस दूँ। भाई SSR दे लो तब भी गुड है, डबल ले लो तब भी गुड है। SSR नॉन टेक्निकल टाइप है, ठीक है, और जो डबल ए है वो टेक्निकल टाइप है, उसमें प्रमोशन फास्ट होता है। तो जो कोई भी मिल रही हो आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तीनों फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, एक नॉन टेक्निकल ट्रेड्स है, एक टेक्निकल ट्रेड्स है, दोनों में अबाउट सैलरी का गैप रहता है, प्लस प्रमोशन का जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है टेक्निकल वालों का। और अगर प्रमोशन की बात की जाए तो जल्दी प्रमोशन होता है, सैलरी की बात की जाए अबाउट 10 to 15K का फर्क रहता है। ठीक है, तो मैं ऑप्ट आपको सजेस्ट यही करूँगा कि टेक्निकल की तरफ ज़्यादा रुझान दे, अगर नहीं भी होता है तो कम से कम आप नॉन टेक्निकल की तरफ होके अपनी जॉब सिक्योर तो कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, कोर्सेज मिलते हैं, एग्जाम मिलते हैं, आप आगे दे सकते हो, CDS का दे सकते हो, FCAT का दे सकते हो, सर्विस एंट्री कमीशन जो रहते हैं वो भी दे सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी रहती हैं। आप पहले एग्जाम दीजिए, ठीक है, जो लोग NDA का एग्जाम देने जा रहे हैं 12th में, वो भी कंफ्यूज हैं कि मैं NDA दूं या FCAT दूं, CDS दूं। भाई अगर आप 12th है, नॉन मेडिकल, अच्छे मार्क्स हैं तो क्यों ना NDA दी जाए, NDA दिया जाए तो बल्ले बल्ले ही है। ठीक है, वहाँ पे आपको खुद क्यों ग्रेजुएशन कराएंगे, उसके बाद एज एन ऑफिसर आप कमीशन होते हो। ठीक है, रही बात 12th में आप NDA भी दीजिए, पढ़ लिया अपने नॉन मेड के साथ, तो उसके बाद एक्स ग्रुप भी दीजिए, सोल्जर क्लब का भी दीजिए, में डबल ए का दीजिए, साइड बाय साइड आप अपना SSR, अपना वाई ग्रुप और GD का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जॉब जो मिले जरूर सिक्योर कीजिए। डिफेंस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो या कोई भी क्वेरी हो एग्जाम से, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, DM कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, कोई भी क्वेरी हो जरूर अप्रोच कीजिए, मैं ऑल द टाइम अवेलेबल हूँ, और टिल देन गुड बाय, टाटा।